हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो तुम लोग? एंड गाइज, आज की वीडियो ना काफ़ी तगड़ी होने वाली है। एंड गाइज, आज की वीडियो हम दो चीज़ करने वाले। पहली तो ईगर का मिशन करेंगे, एंड भाई दूसरी चीज़ वो है कि हम रियल एस्टेट खरीदें। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो वैसे मैं जो हूँ मैप में हॉस्पिटल के पास हूँ, ठीक है। एंड भाई ईगर है हमारा ऊपर, यानी कि मैप के ऊपर की साइड, ठीक है। एंड ईगर है यहाँ पर, एंड यहाँ पर जो हम टिक मार्क कर देते हैं, और भाई हमें यहाँ से जो है यहाँ पर आना है, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं, और गाइज ये बहुत ही बड़ा रास्ता है, एंड बात करते हैं रास्ते में और फिर चलते हैं। तो फटाफट से यहाँ पर कार को करते हैं स्टार्ट, और भाई चलते हैं वहाँ पर। हाँ तो गाइज, मैं कहाँ था, मैंने बताया था कि आज की वीडियो हम जो है दो चीज़ करने वाले हैं। पहला तो गाइज हम करेंगे ईगर का मिशन, एंड भाई दूसरा करेंगे हम रियल इस्टेट बाय, ठीक है। तो रियल इस्टेट बाय में क्या है कि आपको जो है कुछ भी खरीद लेना है, ठीक है। एंड मैं आपको जो है मैप में दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये घर का साइन मंडा हुआ है और एस डॉलर लिखा हुआ है, ठीक है। ये रेड रेड कलर का, एंड इसे बोलते हैं रियल एस्टेट, ठीक है। एंड इनको हमें जो है ख़रीदना है। तो इनमें गाइज क्या क्या आते हैं, इसमें कार डीलरशिप, मकान वगैरह, दुकान, जो भी है हमको जो है ख़रीदना है, और उसको भाई हमें किराए पर देना होता है, ठीक है। तो गाइज जैसे जैसे जो है गेम में दिन बढ़ते हैं, वैसे वैसे जो है हमारे डॉलर इकट्ठा होने लगते हैं। डॉलर नहीं, ये रुपए में रुपए है, ठीक है। तो ये जो है हम इकट्ठा होने लगते हैं धीरे धीरे। और गाइस सभी रियल एस्टेट का जो है किराया अलग अलग देखने को मिल जाता है आपको। तो मैं आपको जो है फ़ोन में दिखा देता हूँ। मैंने जो है पहले से ही दो इस्टेट बाय कर रखे हैं, और यहाँ पर जो है आप मोबाइल में भी उनका वो देख सकते हैं रेंट। तो आप चले ना रेंट अप पे, और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा कुल मेरे पास रूप हो गए 1,15,200, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है दो बाय कर रखे, एक तो बोट स्टेशन के पास और एक कार डीलरशिप का। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं, कैफ़े, हाउस और वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3, काफ़ी सुपर मार्केट। एंड इनको आप ख़रीद कर जो है इनको रेंट पर दे सकते हैं, और गैस जो है रोज़ाना आपके जो है रुपये आ जाएंगे। तो वैसे तो मेरे पास जो है अनलिमिटेड मनी है, एंड मुझे तो यार कोई ज़रूरत नहीं है रुपये वगैरह कमाने की, ठीक है। एंड भाई अनलिमिटेड मनी इतनी है कि ये मतलब खर्च नहीं होती है, ठीक है। कई मोड में ऐसा होता है कि हमारी अनलिमिटेड मनी जो है धीरे धीरे खर्च होने लगती है, लेकिन ऐसा इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसमें जो है अनलिमिटेड मनी खर्च नहीं होती है, ठीक है। एंड जो हम पैसा कमाते हैं वो भी इसमें नहीं ऐड होते हैं। तो यार अगर आपने जो है अनलिमिटेड मनी की वीडियो नहीं देखी इस गेम की, तो प्लीज़ जाकर देख लेना। एंड उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और गाइज उस वीडियो पर यार कुछ भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि यार अनलिमिटेड मनी नहीं हो रहा। तो यार सबसे पहले आपको क्या करना होगी, पहले आपको जो आपने गेम इंस्टॉल कर रखा है उसको आपको डिलीट करना होगा, और फिर जो है आपको दूसरा गेम डाउनलोड करना होगा, फिर आपके पास जो है अनलिमिटेड मनी आ जाएगी। एंड आप गेम को ओपन करोगे और फुल खेलोगे ना, एक दो बार नहीं, फर्स्ट में ही आ जाएगी आपके पास अनलिमिटेड मनी। तो गाइस घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारा डाटा बर्बाद हो गया, हमारे पास अनलिमिटेड मनी आई नहीं आई, आएगी आपके पास अनलिमिटेड मनी। तो गाइस फटाफट से जो है हम आज ईगर के पास चलते हैं, और वहाँ पर जो है उसका मिशन वगैरह करते हैं। गाइस ये रास्ता आप देखो, एक नया सा रास्ता है, और यहाँ पर जो कंटेनर वगैरह रखे हुए हैं एंड फट्टे वगैरह रखे हैं, इस पर से हमें कार को लेकर जाना होता है। एंड भाई इस गेम में आपको ऑफ रोड वगैरह सब कुछ, ट्रैक वगैरह जो भी होता है। अबे यार गई मेरी कार तो। शिट यार गाइस, मेरे को उस रास्ते पर जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत गलत किया यार। एंड अब रात हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हॉस्पिटल हमारे पास में होती है, यानी कि कम दूरी पर होती है, वहीं पर हम आ जाते हैं। तो मैंने सोचा यार मैं नीचे वाली हॉस्पिटल में आ गया, लेकिन नहीं गाइस मैं जो है ऊपर वाली हॉस्पिटल में आ गया। तो फटाफट यहाँ से चलते हैं ईगर के पास। एंड गाइस टाइम जो है अब टाइम हो चुका है, 23 बज चुके हैं, और भाई ईगर का टाइम होता है हमारा 17 बजे से लेकर 22 बजे तक, ठीक है। एंड गाइज हम दिन होने तक वेट करेंगे। गाइज अब जो है मैं 15 यानी कि 17 बजे तक सोता हूँ, एंड फिर जो है ईगर के पास चलेंगे हम मिशन वगैरह करेंगे। तो गाइज यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो कि 16 बज चुके हैं, एंड ईगर का मिशन वाला टाइम है 17 बजे, ठीक है। एंड वहाँ पर जो हमें 17 बजे तक पहुँचना है, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं गाइज वहाँ पर। एंड गाइज हम जो है शॉर्टकट चलेंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट रास्ता कौन सा है मैं आपको बता दूंगा। एंड तो गाइज हम जो है पुल के ऊपर से नहीं जाएंगे, एंड साइड से जाएंगे नदी, और तो चलते हैं नदी के अंदर से।
एंड आपको दिख गया होगा वो रास्ता, ठीक है। और गाइस यार इस मिशन को समझने के लिए आपको जो है पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी, बाकी मैं आपको बता दूंगा पिछले मिशन में क्या हुआ था। और गाइस यार इस गेम में आपको जो है दो लोगों के मिशन देखने को मिलते हैं, एक तो ईगर चाचा के इस कैरेक्टर का ये चाचा वगैरह लगता है, ठीक है, और एक हमारा फ्रेंड वैसली उसका मिशन। एंड गाइस उसका मिशन अलग है और इसका मिशन अलग है, ठीक है। एंड इसके मिशन में करते हैं तो इसके मिशन की एक पहली वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। एंड वैसली का मिशन है वो अलग मिशन है, तो मैं जो है आगे वीडियो में बता दूंगा पिछले मिशन में क्या हुआ था इसके साथ एंड क्या नहीं हुआ। एंड यार आपने वो वीडियो नहीं देखी प्लीज़ जाकर देख लेना, तभी आपको जो है पूरा समझ में आएगा, क्योंकि ये गाइस स्टोरी लाइन है तो इसलिए आपको जो है वीडियो देखनी पड़ेगी। एंड बाकी तो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा आगे कि क्या क्या हुआ था हमारे साथ एंड अब कहाँ जाने वाले हैं, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि मेरे पास अनलिमिटेड मनी है और मेरा 10 लेवल है ड्राइवर लेवल, ठीक है। एंड टाइम देखते हैं बच चुके 17, तो भाई करते हैं हमारा मिशन स्टार्ट। कम टू द नाइट क्लब। तो गाइस यार पिछले मिशन की बात ऐसी थी, तो ईगर ने हमें बोला था कि यार वहाँ पर चलते हैं और हमारे गैराज में चलते हैं और वहाँ पर हमारे सामान को वापस लेकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पर चोरी वगैरह होने का खतरा है। एंड यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हो अनसक्सेसफुल नेगोशिएशन। अब यार ये क्या हो गया, मुझे तो लगता है ईगर वहाँ से चला गया, ईगर यार अकेला ही चला गया। तो यार मैं आपको जो है पूरी स्टोरी बताता हूँ क्या है कि पिछले वाले मिशन में जो है हम गए थे, ईगर ने बोला था कि यार अपना सामान वगैरह लेकर आते हैं हम, और क्योंकि वहाँ पर चोरी वगैरह होने का खतरा है। तो यार भाई हम जैसे ही वहाँ पर गए उसके गैराज में, और वहाँ पर जो है गुंडों ने इसका सामान लेकर चले गए, और भाई वहाँ पर इसके गैराज में इन्होंने आग लगा दी, और भाई आग लगा कर वहाँ पर एक नोट छोड़ कर चले गए, और उस नोट में लिखा था कि पुलिस को बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं करना, एंड पुलिस को बताने की कोशिश की तो हम तुम्हारा माल नहीं देंगे, और तुम जो है हमसे मिलने आ जाना रात को नाइट क्लब में दूसरे दिन। तो यार ईगर के मतलब बिल्कुल भी सब्र नहीं है, वो भाई अकेला ही चल गया। मैंने कहा था उसको यार दोनों साथ चलेंगे, और वो भाई अकेला ही चल गया, और उसको उनने बांध वगैरह दिया है। और यहाँ पर उस देख सकते हो कि यार उसकी हेल्थ जो है धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो फटाफट जो हमें यार ईगर को बचाना होगा और वहाँ पर चलना होगा। एंड यार ये इतना बेवकूफ़ इंसान है यार, अकेला ही चल गया, ठीक है। एंड उस दिन तो इसने बोला था कि यार मेरा दिमाग ख़राब हुआ हो गया है, मैं सोने जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे तुम घर पर छोड़ दो। और यहाँ पर जो है ये अकेला ही चला गया यार हमें छोड़ छाड़ के, लेकिन नहीं भाई ये मानने वाला थोड़ी है। और इसकी हेल्थ देखो यार धीरे धीरे कम होती जा रही है बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से यार हम लोग चलते हैं, हमारी कार को जो है हमें भगाना होगा, और जो है मुझे खड्डे वगैरह कुछ भी नहीं देखने होंगे यार, फटाफट से चलते हैं उसके पास। और गाइस यहाँ पर जो है मैं पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पर आप देखो यार उसकी हेल्थ जो है 26% ही बची है। तो यार फटाफट से चलते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं ऐसे ही कुदाते हुए लेके जा रहा हूँ, क्योंकि यार उसके जान पर सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर रोकते हैं हमारी कार को, और भाई उन बंदों ने ईगर की बहुत हालत ख़राब हो गई यार, ये अकेला क्यों आया यहाँ पर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा यार। ईगर को अब हमें ढूंढना है। अब यार इसको किसने बोला था तू यार अकेला ही आ जा ईगर, ये अकेला ही भाग के आ गया यहाँ पर। ये है भाई नाइट क्लब, एंड यहाँ पर भाई ये अकेला ही आ गया। ये देखो भाई ईगर को इसने बांध कर रखा है, एंड इससे हमें जो है फाइट करनी है, ठीक है। ये ले तू साले, ये ले, तेरे को तो मैं मार कर ही रहूँगा, तूने कैसे मारा मेरे दोस्त को। अभी भी राम खोर ये ऐसे इसे अकेला समझ रखा है ये। और गाइस यार इसे उन्होंने सोचा कि ये तो अकेला ही है, अकेला ही आ गया। अबे तू सोचता है कि ईगर घर के पास कोई नहीं है, हम हैं उनके साथ। एंड भाई यार इसको तो मैंने दिया मार, और भाई ईगर को यहाँ से लेकर चलते हैं। एंड यार बात करते हैं इससे अब, और भाई इससे बात हो चुकी है मेरी। एंड भाई इसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और भाई ये चलने के लायक नहीं है। तो यार मैं इसको जो है अपनी गोद में उठा करके इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, तो फटाफट से जो है इसको हम हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। एंड यहाँ पर जो है हमारी कार में बैठा कर नहीं लेकर चलते हैं, ठीक है, इसको एम्बुलेंस वगैरह में लेकर चलते हैं। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जहाँ पर ये टिक मार्क लगा हुआ है वहाँ पर एम्बुलेंस ही है, ठीक है। तो यार हॉस्पिटल के पास ये शायद ये। एंड भाई मैंने इसको मना किया था कि यार ये अकेला आ गया।
अरे कोई बात नहीं, ये बोल रहा है थैंक यू मेरी हेल्प करने के लिए। तो यार बस इसको हमने हॉस्पिटल में जो है पहुंचा दिया है। एंड गाइज इसी के साथ जो ये मिशन ख़त्म हो जाता है। एंड आपको ये मिशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बता देना। और भाई यहाँ पर नाइट क्लब में यार एक ही बंदा था, मुझे तो लगा यार बहुत सारे बंदे होंगे, लेकिन भाई यहाँ पर एक बंदे ने ईगर का जीवन आराम कर दिया था और भाई ईगर की सारी हेल्थ ख़त्म कर दी थी। तो यार फर्स्ट पार्ट तो हमारा ख़त्म हो चुका है। एंड इस वीडियो में स्टार्ट में मैंने आपको बोला था कि हम आज जो है रियल एस्टेट बाय करने वाले हैं, तो फटाफट से वहाँ पर चलते हैं रियल एस्टेट वाले लोकेशन पर। एंड यहाँ पर आप साइड में देख सकते हो हमारे पास ही है, ठीक है। एंड इसको हम ख़रीद के बताता हूँ मैं आपको एंड किस तरह आपको जो है इसे ख़रीदना है। तो गाइस ये नाइट क्लब के पास ये रियल एस्टेट, ठीक है। एंड आपको रेड रेड ये सर्किल दिखेगा, यहाँ पर आपको आना है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी प्राइस यार 10 लाख रुपए है यार, इतना महंगा है ना ये, क्योंकि गाइस ये नाइट क्लब के पास है इसलिए इतना महंगा है। एंड आपके पास जो है 10 लाख रुपए होने चाहिए और आपको जो है गाइस 4000 पर डे के मिलेंगे। तो यहाँ पर हम इसको बाय कर लेते हैं। एंड भाई ये चेकिंग वगैरह हो रही है, ये असली है या फ्रॉड है, ठीक है। एंड यहाँ से हम कर लेते हैं इसको बाय, एंड यहाँ से आप कर देते हैं क्लोज, ठीक है। एंड गाइस जैसे हम एक दिन वगैरह बाद आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 रूप लिखा हुआ है। एंड एक दिन बाद आएंगे तो गाइस आपको लिखे होंगे यहाँ पर 4000 रूप, अगर आप नहीं आओगे तो आपके जो है रुपये यहाँ पर जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है रियल एस्टेट में, जो इसको ख़रीद कर जो है किराए पर देना होता है, ठीक है। जैसे दुकान वगैरह किराए पर देते हैं वैसा ही इसका हाल है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।